ऐसे। हाँ बताइए कि क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं। आज चूंकि नया है, पहला दिन है, हम लोग इस पे फिर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए, सारे लोग लिख रहे हैं यस सर, हाँ सर, ओके। बोर्ड पर जो लिखे हैं वो ठीक से दिख रहा है या नहीं? ठीक है, विश्वा कह रही है हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा लिखिएगा। ठीक है, बड़ा लिखेंगे, लेकिन मतलब पुराने जो हम लोग देख रहे थे उससे अच्छा दिख रहा है या उससे डल दिख रहा है? क्लियर है सर, निशित बारोट का कहना है। क्लियर है सर, जिगर चौहान का कहना है। जीनल पटेल क्लियर सर, तो ठीक है। छोटा सा वो ऑटो बॉक्सिंग हो जाए, कोई बात नहीं। अब जरा हम लोग इसके आंसर को देखें। सबसे पहले कह रहा है कि एमएसएमई से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे एमएसएमई का अर्थ है, यानी आप गुजराती में एमएसएमई एटले का अर्थ है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अब इसकी परिभाषा कब दी गई है, संशोधित कब किया गया? परिभाषा तो जो दिया पुराना वो रहने दीजिए, नया तो जून 2020 में इसके परिभाषा में संशोधन किया गया। जून 2020 में इसके परिभाषा में संशोधन किया गया, अब नया परिभाषा। इसके अनुसार वह उद्यम जिसमें निवेश के लिए धनराशि 1 करोड़ रुपये तक, निवेश के लिए धनराशि 1 करोड़ रुपये तक तथा टर्नओवर 5 करोड़ रुपया तथा टर्नओवर 5 करोड़ रुपया, देखिए शब्द बचाई बचाइएगा हमेशा, यही नहीं लिख दीजिएगा कि इसको सूक्ष्म उद्यम कहेंगे, सूक्ष्म उद्यम और उसके बाद कॉमा, फिर अगला लिखना है इसी में, जिसमें निवेश के लिए दस करोड़ तक, 10 करोड़ रुपये तक तथा टर्नओवर 50 करोड़ रुपया लघु उद्यम, फिर कॉमा दीजिएगा, या तथा जिसमें निवेश के लिए 50 करोड़
तथा टर्न ओवर 250 करोड़ रुपया मध्यम उद्यम कहलाता है। ये आप एमएसएमई की परिभाषा लिख दिए, मध्यम उद्यम कहलाता है। एमएसएमई का अर्थ है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। जून 2020 में इसके परिभाषा में संशोधन किया गया। इसके अनुसार वह उद्यम जिसमें निवेश के लिए धनराशि 1 करोड़ रुपये तक और टर्नओवर 5 करोड़ रुपया, सूक्ष्म उद्यम जिसमें निवेश के लिए 10 करोड़ रुपये तक और टर्नओवर 50 करोड़ रुपया, लघु उद्यम जिसमें निवेश के लिए 50 करोड़ तथा टर्नओवर 250 करोड़ रुपया मध्यम उद्यम कहलाता है। यह है एमएसएमई का परिभाषा। लिख लिए सब लोग, मिटा सकते हैं। हाँ सर, यस सर, हाँ सर, बस आज चूंकि पहला दिन है, थोड़ा सा इसमें हम भी वो गूगल मीट में हो गए थे यूज टू, एक आध दिन लगेगा इसमें भी यूज टू होने में, हालांकि रिजल्ट अच्छा लग रहा है। चलिए तो आगे बढ़े, हम लोग इसका परिभाषा दे दिए। अब कहता है इसके अंतर्गत चलाई जाने वाली योजना और कार्यक्रम, तो हेडिंग देंगे इसके अंतर्गत चलाई जाने वाली योजना एवं कार्यक्रम, ये हम लोग देंगे इसमें। तो एमएसएमई के अंदर जो भी योजना और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में लिखना। पहला, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। दूसरा, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए, टेक्नोलॉजी इनरीचमेंट के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, सब्सिडी योजना। सूक्ष्म, अगला, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना, उद्यम क्लस्टर विकास योजना। इसके बाद डिजिटल एमएसएमई योजना, डिजिटल एमएसएमई योजना। एमएसएमई की जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना, एमएसएमई की जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना
मैं वित्तीय सहायता, मैं नाणकीय सहायता, वित्तीय सहायता, टूल रूम एवं एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, टूल रूम एवं एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र। एमएसएमई उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास, एमएसएमई उद्यमों के लिए क्रेडिट एमएसएमई उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास, क्रेडिट गारंटी निधि न्यास, क्रेडिट गारंटी निधि न्यास। अगला, स्कीम ऑफ फंड फॉर, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, री जनरेशन ऑफ, इसको गुजराती स्क्रिप्ट लिखिएगा, री जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। इस योजना का नाम बनता है, अगर आप इसको स्मॉल में देखिएगा तो ये बनता है SFURTI, स्फूर्ति, SFURTI, स्फूर्ति योजना। यहां पर और लिख देते हैं इस जगह पे, ताकि एक ही जगह आपका ये पूरा बन जाएगा। डिजाइन क्लिनिक योजना, डिजाइन क्लिनिक योजना, डिजाइन क्लिनिक योजना और उद्यमिता, उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम। इतना जो है योजना और कार्यक्रम चलाया जा रहा है एमएसएमई के अंतर्गत। जरा बताइएगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इतना योजना कार्यक्रम लिख पाता है कोई लड़का? लीना लिखते हैं, जीपीएससी में आया था तब मैंने बॉक्स बनाया था। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बॉक्स में भी बना सकते हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नो सर, नो सर। बस यही है कि आपको इस तरह से इतना योजना और कार्यक्रम के बारे में बताना पड़ेगा। नो सर, नो सर, विश्वासा नो सर, लीना सोजित्रा नो सर, चार पांच याद आया था। बस यही है, हालांकि आप बेटर लिखे, चार पांच भी याद आया, 100% याद आना संभव नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम अगर फुल मार्क्स चाहेंगे तो हमको ये पूरा लिखना पड़ेगा। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि कोविड-19 के काल में इस